फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, हम लोगों पोटैटो को स्ट्रेट प्लेस करके एक लाइन ड्रॉ करना है, और यहाँ पर हम राइट साइड पर एक एंगल ड्रॉ करेंगे 12 डिग्री का। ये एंगल हम लोग इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं, उसी एंगल पर हम लोगों को पोटैटो को प्लेस करना है और फिर हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में शो किया था। तो ये एंगल से आप बहुत ही सिंपली बिल्कुल मेरे जैसा एग्जैक्ट उतना ही टेढ़ा रख पाएंगे प्रोजेक्टर, और आपको ड्रॉ करना है लाइन यहाँ पर, ये ऊपर। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ना गाइस। अब मैं इस ऊपर वाली लाइन को थोड़ा डार्क कर देता हूँ और जूम इन करके इसे इरेज कर लेता हूँ नीचे वाली को। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने जूम इन कर लिया, थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। यहाँ से इसे हम नीचे ले जाते हुए कुछ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने इसका ऊपर का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है मिड ब्रेन, और इस मिड ब्रेन से हम एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर ले जाएंगे जो कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहेगा, नीचे की तरफ हम ले जाएंगे। आप सिंपली मुझे फॉलो करते जाइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा रहा हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे टर्न कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपलोड्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अब हमें ऊपर कुछ इस तरह की एक लेयर ड्रॉ करनी है। अभी हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम लेयर ड्रॉ करेंगे। ना गाइस, हम ड्रॉ करें इसके ऊपर लेयर। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, आप मुझे फॉलो करते जाइए। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके मेरे साथ इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसे ड्रॉ करने का। आपको ये ट्रिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हमने यहाँ पर स्पेस लीव कर दिया है ट्री लाइक स्ट्रक्चर सेरिबेलम के लिए। यहाँ पर अब हम फोल्ड करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड ड्रॉ करते हैं और नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम इसे नीचे ले जाते हुए स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट कर देंगे। मैं आपको फुली लेबलिंग डायग्राम ड्रॉ करके दिखाने वाला हूं, लास्ट में हम लोग लेबलिंग भी करेंगे। अभी आपको शायद नीचे का शो ना हो रहा हो, मैं कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ तो आपको शो होने लगेगा। ये देखिए मैंने एडजस्ट कर दिया, अब मैं इसे प्रॉपरली ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर आपको इसे एग्जाम में मेरी तरह इजीली ड्रॉ करना हो या प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी तरह से ड्रॉ करना हो तो आप इसे मेरे साथ इसे 2-3 टाइम प्रैक्टिस कीजिए तो आप बहुत ही सिंपली इस डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम यहाँ पर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। यानी ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर लिया, अब हमें इसके ऊपर कुछ इस तरह की ड्रॉ करनी है लेयर। मैं दिखा देता हूँ कैसी आपको ड्रॉ करनी है। ऐसे यू लाइक स्ट्रक्चर जैसे आपको ले जाने हैं और फोल्ड करते आपको ड्रॉ करना है। कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके ऊपर एक लेयर ड्रॉ करेंगे। लेयर कैसे ड्रॉ करनी है मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें इसे कनेक्ट करना है यहाँ से, तो पहले हम लोग लेयर ड्रॉ कर लेते हैं फिर हम लोग कनेक्ट कर लेंगे फर्दर। तो ये लेयर हम लोग इसकी आउटर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो कर्व रखा है वो आप भी रखिएगा। नाउ गाइस, हम लोग इसके ऊपर कवरिंग ड्रॉ कर रहे हैं। मैंने और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाए हुए हैं जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन आई, हार्ट वगैरह सब बनाए हुए हैं मैंने बहुत ही इजी वे में। उन सब के लिंक आपको राइट साइड बायोडाटा पर मिल जाएंगे। और आपको अगर किसी और डायग्राम में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। अब हमें आप यहाँ पर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने स्केल का इसलिए यूज़ नहीं किया ताकि आपको क्लियरली शो हो। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली। इसे करने के बाद गाइस अब हमें इसके ऊपर एक लेयर ड्रॉ करना है। लेयर में आपको ध्यान रखना है कि इनर और आउटर लेयर के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहे। अब मैं वीडियो को यहाँ पर लेयर ड्रॉ करते टाइम थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा क्योंकि बहुत ही ध्यान से इस लेयर को ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आप लेयर एक दूसरे से टच हो जाएंगी या फिर स्पेस बढ़ या घट जाएगा तो डायग्राम अट्रैक्टिव नहीं लगता। देखिए मैंने यहाँ पर स्पीड फास्ट कर दी थी ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, और मैंने यहाँ पर बहुत ही ध्यान से इस लेयर को ड्रॉ किया है। आपको भी केयरफुली इसे ड्रॉ करना है। देन गाइस, हम लोगों को यहाँ पर एक और लेयर ड्रॉ करनी है। इस लेयर को हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए फोल्ड करेंगे लेफ्ट साइड को और ऊपर ले जाते हुए ये डबल कवरिंग हो गई।
देखिए ये डबल लेयर हो गई है। अब हम यहाँ पर ओवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो पहले मैं लेयर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये डबल लेयर हो गई है। अब पहले मैं ऐसे ले जाता हूँ वहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। मैंने वीडियो को यहाँ पर भी फास्ट कर दिया हल्का सा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो। आपको ध्यान रखना है, देखिए मेरी भी एक भी लेयर एक दूसरे से टच नहीं हुआ है, इनर और आउटर लेयर, वैसे ही आपको ड्रॉ करना है। अब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं सेरेब्रम। काफ़ी लोगों को इसे ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी होती है, आप सिंपली मुझे फॉलो कर दीजिए, बहुत ही अट्रैक्टिव मैनर में मैं इसे ड्रॉ करके आपको दिखाने वाला हूँ। हमने पहले नीचे कुछ इस तरह के यू लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, अब ऊपर भी हमें सेम करना है, बस थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हम इन्हें, ऐसे फोल्ड ज़्यादा करेंगे यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम मैनर में आप करते जाइए। हमने इसके अपर रीजन पर भी यू लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम इसके इनर रीजन पर कुछ इस तरह के शेप्स ड्रॉ करेंगे, अलग अलग लाइंस। तो जैसी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल सेम मैनर में आपको करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पहले इतना ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे फर्दर आप मूव करिए। मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा रहा हूँ, मैंने वीडियो को जरा सा भी फास्ट नहीं किया, सिर्फ लेयर के टाइम पे आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए फास्ट किया था। अब हम इसे यहाँ पर ले जाते हुए फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से गाइस हमने यहां पर भी ड्रॉ कर लिया। अब हमें ऊपर एक लास्ट वन और ड्रॉ कर लेना है, ये इसे मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। नाउ गाइस ये हमारा डायग्राम है कंप्लीट। अब मैं इसे 3-4 सेकंड के लिए प्ले कर देता हूँ, ताकि अगर आपका इनकम्प्लीट रह गया तो आप कंप्लीट कर लीजिए। देन गाइस हम लोग फर्दर लेवलिंग करेंगे। देन आफ्टर गाइस ये हमारा लेवल डायग्राम है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे ढेर सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने, साथ साथ बल वाले बेल आइकन को टर्न ऑन करना मत भूलेगा। और इस वीडियो ने फिर सा भी